तारीख गुरु शाह संग जी वाई जी का खालसा वाई जी की फतेह। कल 28 तारीख छोटे साहब शाखा है पर यह शाखा जहाँ शुरू किया तारीख गुरु तेग बहादुर साहब तो शुरू होया है। यह चलता चलता जरा एंड किया छोटे साहबजादे ने किया। यह शाखा जरा हिंदी चादर का सवाल से उदो चलते चलते इन्होंने तक पहुंचा और अभी बहुत शुक्रगुजार हाँ गुरु तेग बहादुर साहब के गुरु गोबिंद सिंह के बाकी साहबजादे कि इन्होंने हिंदी चादर तिरक जंजू की खातर अपना सारा परिवार शहीद कर दिता। मैं बेनती करांगा हर स्कूल कमेटी कॉलेजों और अपने घर अपने बच्चों दृष्टि दी जाए और इन्होंने दस कि साका क्यों होया किस तरह की वजह होया। इन छोटे साहबजादे साका पेश होते वजीर खान के अंदर एक बार पेश हो दो बार पेश हो तीसरी बार पेश हो तो उन्होंने कहा जी अभी सिर कटवा सकते चुका नहीं सकते। उन्होंने छोटी बारी रखती कि छोटे बारी चुकाने तो सिख चुक जाएगा तो उसे फतेह हो जाएगी लेकिन साहबजादे सिर चुका की बजाय पहले लत्ता फिर तार फिर अंदर सिर ला गए उस के जयकारा मारिया उत्ते वजीर खान ने कहा था कि सब के बच्चे ही रहेंगे। वजीर खान ने सब पूछा क्या तुम तो शादी है की करोगे क्या शादी होगी अभी फिर वही कार्रवाई करेंगे जो कभी करनी है। उन्हें कहा जी इन्हों दीवार जिंदा चढ़ाता जाए दीवार चढ़ाने की शुरुआत शुरू हो गई जो घोड़े तक दीवार आई तो साहबजादे कह लगे वो तेरी दीवार जी टेढ़ी हो जाएगी दीवार सीधा कर गोडे छिल दे गोडे छिले के फिर दीवार चुनी गई। फिर जो छोटे साहबजादे से गर्दन दीवार आई तो वे साहबजादे रो पे छोटे बच्चे की गल भी जी रो रहे हो उन्हें कहा पहले बाद च आया तो पहले जा रहे हैं इस करके मैं रो रहा हूँ कोई वजह नहीं हैगी। ये देखो शहीदी साहबजादियों की हसते हसते आप नहीं चुने गए एक कौम है सिख कौम ऐसी कौम है जिन्हें कि अच हिंदुस्तान है एक गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह और साहबजादे की वजह करके रुकया हुआ है। और उस तो बाद साढ़े हरी सिंह नरूला होंगे सन अमरीका ने अफगानिस्तान उत्ते तीन चार हमले किए लेकिन कामयाबी नहीं मिली लेकिन हरी सिंह नरूले ने जाकर उसे कब्जा किया और अपना राज जमाया उसका नाम अज तक अफगानिस्तान लिया जाता हरी सिंह नरूला आ रहा सो जाओ बच्चे सो जाओ। उस तो बाद लाल किला बेग सिंह जस्टिस अलवालिया जस सिंह बघेल ये तीनों चार पांच बंदे से जिन्होंने लाल किले आके बाबा बघेल सिंह और उन्होंने चार साथी जनरल जिन्होंने आके लाल किले से केसरी झंडा लहराया ये पहला चांस ही कि सिख कौम ने लाल किले उत्ते झंडा लहराया। और उस तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपना कई स्टेटा जीत के राज कमाया अपना सिक्का भी चलाया लेकिन वो बाजकार पूरे कामयाब नहीं हो सके। मैं सिखों को अपील करांगा फिर दोबारा कि अपने बच्चों इस साखे बारे दसा जाए पढ़ाया जाए और स्पेशल क्लासा लीती जान और मैं भी उन्होंने अडवाइज करांगा कि अपने बच्चों को सीधे रस्ते लैन और सिख कौम वास्ते अगे लैके जान। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।